उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के मंडली प्रबंधक संजय साहू जोगिंदर नगर पहुँचे। उन्होंने जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पर विस्तार से निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पठानकोट से जोगिंदर नगर तक की नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करना प्रस्तावित है और यदि तकनीकी तौर पर कोई खामी ना पाई गई तो उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। रेलवे के मंडली प्रबंधक ने कहा कि पठानकोट के समीप चक्की पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जसूर से पठानकोट रेल सेवा को इसी वर्ष सुचारू किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चक्की खड्ड में अवैध खनन के कारण पुल के पिलर ध्वस्त हुए हैं, ऐसे में भविष्य में भी अवैध खनन कार्यों से सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि पुल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया ने जोगिंदर नगर रेलवे के ऊपर फुटब्रिज बनाने की मांग की और कांग्रेस के गुरुचरण परमार ने जोगिंदर नगर से नई ट्रेनें चलाने के बारे में रेलवे के मंडली प्रबंधक से मुलाकात की और जोगिंदर नगर से चलने वाली ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करने और जसूर तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की मांग की। रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर के आसपास नशेड़ियों के जमावड़े को देखते हुए यहां रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की चौकी खोलने की भी मांग की, जिस पर रेलवे मंडली प्रबंधक ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडली प्रबंधक ने जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन का गहराई से निरीक्षण किया और वहां पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के निर्देश रेलवे अधिकारियों को दिए। ये चौड़ीकरण जो होता है, गेज कन्वर्जन, गेज परिवर्तन जो भी जी, 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 वो करना होगा जी, जी, का ये पाइपलाइन में है जी, पहले से ही है जी, और अंडर कंसिडरेशन है इसको, जैसे भी इसको जो है एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा इस चीज उसके बाद इसमें भी काम। जैसे आपकी जो सर ये तीन टाइमिंग है ये भी प्रॉपर टाइम में चले और एक बात कोई और भी ऐसे चल सके और पूरे टाइम से आए सर, हमारे व्यापारियों को भी बहुत लाभ होगा इससे। सर हम लगे सारा इसी से आता था पर अब क्या है कि हमारे को वो दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन अपनाने पड़ते हैं, वो हमारे को बहुत महंगे पड़ते हैं जी, और लोगों को रिस्टोर कर पाए। आप देख ही रहे हो कि कितना पिछले जो बारिश हुई थी, जो यहाँ पर भारी बाढ़ आई थी, उसमें इतना कटाव हुआ है कि ट्रैक के नीचे का पूरा पार्ट बह गया था, ट्रैक लटक रहा था और जो NH वाले थे उन्होंने जो ब्रिज बनाए हुए हैं अपने और जो सड़क बनाई हुई है उन्होंने इस तरह से ढाल बनाया हुआ है कि उनका भी बहुत सारा जगह में अगर ज्यादा बाढ़ आएगी तो उनका पार्ट भी अगर बहेगा तो हमारे ट्रैक को कहीं ना कहीं और उत्पन्न करेगा। तो हम लोगों ने बहुत ही इसमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके, पॉजिटिव अप्रोच लेके इसको रिस्टोर किया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी हमारे पास खबरें आती रहती हैं, हमारे पास कितनी दिक्कत में है यहाँ के लोग। हम लोगों ने जितना यथासंभव हो सकता था उसमें इसको काम को संपन्न कराया है और सर्विसेज को बहाली की है जी। पहले हम लोग सोच रहे थे कि पूरा एक साथ करेंगे, लग रहा टाइम बहुत लग रहा है, तो फिर हम लोगों ने दो पार्ट में किया उसको, यहाँ से लेके कांगड़ा वैली तक किया और इसका नूरपुर तक किया। अभी पूरी सर्विस चल रही है, बाकी अभी जैसे आप फ्रिक्वेंसी को लेके और कनेक्टिविटी को लेके बैजनाथ पपरौला में बात कर रहे हैं, उसको आप लोग एग्जामिन कराएंगे और भी जो इश्यूज आप लोगों ने शेयर किए हैं सारों पे एक बार जो है कॉल लेके और जितना भी फीजिबल हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं, अभी तो आप देख ही रहे हो काम चल रहा है, उसमें तेजी से काम चल रहा है और जल्दी ही हो जाएगा, तो आपको वो सुविधा भी मिल जाएगी कि आप डायरेक्टली यहाँ से पठानकोट जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी वो थोड़ा सा पैच हमारा चल रहा है, वो बह गया था, अब यहाँ का इतना अवैध खनन हुआ है उस नदी में, अवैध खनन के चलते जो है उसका पूरा धारा बदल गया, इतना बहाव का स्पीड ज्यादा इतना तेज हो गया कि पूरे पूरे जो पियर ही बह गए। आगे वाला हमारा मेन लाइन का जो एक ब्रिज है 232, वो भी उधर पठानकोट जलंधर वाला, उससे भी उसी नदी से वो भी अफेक्टेड है। यहाँ तो वो थोड़ा सा यह है अवैध खनन वगैरह में आप लोग उसको रुकवाने के लिए उस नदी पे, क्योंकि वो बनेगा फिर अवैध खनन अगर ऐसे होता रहेगा तो दिक्कतें आती रहेंगी, तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके बैठ के बात करके जो भी अवैध खनन है उसको जो है रुकवाए, उसमें रेलवे को भी फायदा होगा और स्टेट को जो है रेवेन्यू भी जनरेशन होगा। मैं जो 2-2.5 घंटे रुक रही हूँ टाइम कैसे कम किया जा सकता है, डायरेक्ट देख लेना, कोई टेक्निकल इश्यू जरूर होंगे तभी दो पार्ट में किया गया है, अदरवाइज तो ट्रेन डायरेक्ट ही रहती है। पपरौला में वो मेंटेनेंस का इश्यू, तुम्हारा मेन जो मेंटेनेंस डिपो है पपरौला में ही, ठीक है, वो मैं एक बार एग्जामिन करा लेता हूँ, अगर ये फीजिबल होगा तो जरूर इसको कंसीडर। हम ये चाहते ना सर, मतलब अगर पपरौला वाला मित्र है ना सर, यहाँ से एक तो ज्यादातर लोग फौज करते हैं, दोबारा आप जोगिंदर नगर विजिट, सर भविष्य में ब्रॉड गेज के ऊपर कोई संभावना है? सर काम चल रहा है अभी इस पे और प्रपोजल किसी स्टेज पर है, अब वो तो हम लोग इस चीज को मतलब भरोसा रखें कि होगा कभी
किया जाएगा सर, डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक टेक्निकल डिसीजन भी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्रेडियंट है, इतने ग्रेडियंट में ब्रॉडगेज को ले कर पाना उतना टेक्निकली फिजिबल नहीं होता है, और बहुत सारे किसी भी लाइन का गेज कन्वर्जन करने में बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही किया जाता है। वो देखते हैं ये चीज़ कब तक सामने आ पाएगी। इसमें सर क्या ये जो है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और डिफेंस की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रोड है ये पठानकोट जोगिंदरनगर जी, और अगर इसी की कनेक्टिविटी अगर मंडी तक हो जाए तो क्या उस विषय पे जो है क्या डिपार्टमेंट सोच रहा है, रेलवे सोच रहा है? ये एक्चुअली जो सर्वे वाला काम होता है कोई दूसरा विभाग देखता है जी, तो अब सर्वे अगर कनेक्टिविटी अगर लगेगा कि हाँ यस इसको जो है इधर कनेक्ट करने से प्रॉपर ट्रैफिक इम्प्रूव होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी, तो जरूर उसको जो है सरकार कंसिडर करेगी। हमारी मोदी सरकार जो है आप जान ही रहे हैं जनता की, देश के लिए भलाई के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए भी जो बेहतरी हो सकेगी जरूर इसको किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदरनगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।